बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट विच इज़ अबाउट प्लांट्स। ऑल ऑफ यू हैव नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सो लेट मी टेल यू अबाउट द किंगडम ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स विच इज़ कॉल्ड किंगडम्स। 5 ग्रुप्स में ग्रुपिंग उनकी डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ठीक है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक किंगडम हमारे पास प्लांट के बारे में है, किंगडम ऑफ प्लांट्स। किंगडम ऑफ प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फिर आगे फ्लावरिंग प्लांट्स को भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी। ठीक है, फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द प्लांट्स। ऑल ऑफ यू हैव नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दे बिगिन लाइफ, ग्रो एंड डाई। दे मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे रिप्रोड्यूस, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, आप सबको पता चल गया कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल्स में पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स और रूट से वो लोग वाटर लेते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड रूट के जरिए। ठीक है, वो वाटर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और सनलाइट के जरिए ये 4 चीज़ें मिलकर हमारे पास एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है। रिप्रोडक्शन भी आप सबने पढ़ा है। ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन इनकी होती है? दे प्रोड्यूस बाय सीड्स और स्पोर्स। ठीक है, प्लांट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर अ टाइप ऑफ वास्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली हमारे पास वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, जो वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, उसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स एंड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इसमें एक चीज़ हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट में जो सीड्स होता है, ठीक है, उस ग्रुप वाले प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ठीक है, so the seeds of plants are enclosed in fruits or flowers and are called angiosperms। ठीक है, वो फ्रूट जिसके अंदर सीड्स होते हैं या फ्लावर्स में सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये हमारे पास कौन से ग्रुप में आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर वो मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन, वो फिर आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। Let me tell you about the non-flowering plants, the second group of our plants, kingdom of plants. ठीक है, second group में आते हैं। ठीक है, some plants do not use flowers to reproduce. These flowers are called non-flowering plants. ठीक है, वो plants जो flowers produce नहीं करते हैं, वो trees जिसमें flowers नहीं बनते हैं, उसको हम non-flowering plants में डाल देते हैं। For example, एलजी, मॉसेस एंड फर्न्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास एक और वर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड जेमनोस्पर्म। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेक्ट सीड्स आर कॉल्ड जेमनोस्पर्म्स। ठीक है, जो जिसके नेक्ट सीड्स होते हैं, जो हमें नज़र आते हैं, आम आंख से नज़र आते हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, plants that use spores to reproduce and plants that use seeds to reproduce. The non-flowering plants that use seeds are called gymnosperms. वो plants जो seeds use करते हैं reproduction के लिए, वो इससे reproduce होते हैं नए further plants,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और वो कौन से प्लांट्स के ग्रुप में आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको बता दिए, नॉन फ्लावरिंग सीड्स प्लांट जो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें कॉर्निफर्स भी आ जाते हैं, एलजी भी आ जाते हैं, मॉस भी आ जाते हैं, फर्न्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर सीड बियरिंग प्लांट्स लाइक कॉर्निफर्स, कॉर्निफर्स सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, बट देयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और फ्लावर्स। ठीक है, इनके सीड्स फ्रूट और फ्लावर्स में इनक्लोज, उनके अंदर नहीं होते जैसे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और जिसको हम एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड नेक्स्ट सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स, जो नज़र भी आते हैं। ठीक है, इनक्लोज नहीं होते, उसको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर फर एंड पाइन, पाइन ट्रीज, पाइनस ट्रीज। आप लोग अगर मरी हिली एरियाज पे ज़्यादातर जाएंगे तो पाइनस ट्रीज आपको नज़र आएंगे वहाँ पर। तो दे आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसे बहुत से हम सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, इनसाइड सीड के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अ सीड कंजिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, सीड कोट, स्टोर्ड फूड एंड बेबी प्लांट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सीड कोट। द सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम इंजरी एंड ड्राइंग आउट। सीड का जो बाहर का लेयर होता है इसको हम सीड कोट बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी डैमेज से, किसी भी इंजरी से या ड्राई होने से, उसको प्रोटेक्ट करता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन है दिस स्टोर्ड फूड। द स्टोर्ड फूड इज फाउंड इनसाइड द सीड। ठीक है, द कोटिलीडन, जिसको हम कोटिलीडन भी बोल सकते हैं, द कोटिलीडन इज द प्लांट्स फूड सप्लाई। इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट। कोटिलीडन्स क्या होते हैं, कोटिलीडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कोटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, इसको क्या बोलते हैं, सीड लीव्स भी बोलते हैं। ये इनर पार्ट, ये ठीक है, ये एरो जहाँ शो हुआ है, ठीक है, इसको कोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है द बेबी प्लांट, और विच इज़ आल्सो वी कैन से दैट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारे पास क्या चीज़ है, एम्ब्रियो अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, एरो आपको शो किया गया है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, बेबी प्लांट भी हम इसे बोलते हैं। द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विद व्हेन द कंडीशंस आर राइट। उनको वो सारी कंडीशंस मिल जाती है, ठीक है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वही सनलाइट मिलती है, तो इससे हमारे पास न्यू प्लांट जो है वो यही से ही बनता है। ठीक है, बेबी प्लांट से एम्ब्रियो, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, छोटा सा प्लांट प्रेजेंट होता है जिसको हम बेबी प्लांट भी बोलते हैं, एम्ब्रियो भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास न्यू प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज सीड, सीड क्या है हमारे पास, अ सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड। अब मैंने आपको बता दिया आउटर कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं, जो फूड स्टोर्ड होता है उसमें, हम उसको बेसिकली कोटिलीडन में भी डाल सकते हैं, कोटिलीडन ही बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटा सा बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ठीक है, ये आपको एम्ब्रियो का छोटा सा बेबी प्लांट नज़र आ रहा है, सो दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, जहाँ से हमारे पास न्यू प्लांट की ग्रोथ, न्यू प्लांट की डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। कोटिलीडन हमारे पास जो है, कोटिलीडन हमारे पास मैंने आपको बता दिया है, कोटिलीडन इज द प्लांट्स फूड सप्लाई। इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट। कोटिलीडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। ठीक है, कोटिलीडन्स में फिर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स उसके आ जाते हैं। ठीक है, मोनोकोट एंड डाइकोट। सम प्लांट्स हैव वन, मोनो मीन्स वन, ठीक है, एंड डाई मीन्स टू। सम प्लांट्स हैव वन कोटिलीडन विच इज कॉल्ड मोनोकोटिलीडन, एंड सम प्लांट्स हैव टू कोटिलीडन विच इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, सीड स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया है, आप दोबारा इसकी डायग्राम देख सकते हैं। सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और हमारे पास कोटिलीडन होता है। मोनोकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स आर आल्सो नोन एज मोनोकोट्स। ठीक है, दोज प्लांट विच हैव वन कोटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकोट,
एंड दोज प्लांट्स व्हिच हैव टू कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स. मोनोकोटिलीडन्स दोज विद वन कोटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन्स और मोनोकॉट फॉर शॉर्ट. मोनोकॉट हम इसको शॉर्टकट बोलते हैं, ठीक है. मोनोकोटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोकॉट्स आर वन ऑफ टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स को मैंने कहा था टू ग्रुप्स में डिवाइड किए फर्दर. वन इज मोनोकोटिलीडन, सेकेंड इज डाइकोटिलीडन, ठीक है. डाइकोटिलीडन्स, द डाइकोटिलीडन आल्सो नोन एज डाइकोट्स, ठीक है. उसको हम डाइकोट्स भी बोलते हैं. डाई मीन्स टू, ठीक है. दोज विद वन कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकॉट एंड दोज विद टू कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोट. डाइकोट उसको हम शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है. ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, ठीक है. हमारे पास इसकी फर्दर ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है. सीड कोट, डाइकोटिलीडन्स में हमारे पास बीन की एग्जाम्पल आ जाती है. मोनोकॉट में हमारे पास फर्दर मोर एग्जाम्पल्स हमारे पास मोनोकॉट की एग्जाम्पल्स में आते हैं राइस, वीट और मेज, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. डाइकोट में हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बीन, ब्रोस एंड ग्रैम, ठीक है. अब इसकी फर्दर कंपैरिजन है हमारे पास मोनोकॉट वर्सेस डाइकोट, ठीक है. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, ठीक है. मोनोकॉट्स में हमारे पास एक सीड होता है, एक कोन होता है, वन कोटिलीडन होता है, और डाइकोट्स में हमारे पास टू कोटिलीडन्स होता है. So this is all about today's topics. Thank you. Goodbye and Allah Hafiz.